तुम लोग मुझे मार डालो, लेकिन मैं तुम लोगों की एक बात नहीं सुनूंगी। तुम लोग इस बिचारी को क्यों सता रहे हो? अरे मूर्खो, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हुआ त्रिजटा माता? हम तो महाराज रावण की आज्ञा का पालन कर रहे थे। अरे पुत्रियों, मैंने कल रात को एक भयानक और डरावना सपना देखा है। इतना डरावना कि बताते हुए भी डर लग रहा है। मेरा मन अत्यंत विचलित हो रहा है और उसके स्मरण मात्र से मेरा रोम रोम कांप रहा है। ऐसा कौन सा सपना आपने देखा है माता? मैंने देखा एक वानर समुद्र लांघकर लंका पर पहुंच गया है और पूरी लंका को जला डाला है। रावण की सारी सेनाओं की शक्ति छिड़-भिड़ कर दी है और राम और लक्ष्मण श्वेत वस्त्र धारण किए सीता के साथ आकाश मार्ग से जा रहे हैं और लंकेश सिर मुड़ाकर तेल में नहाए गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा यानी यमपुरी की ओर जा रहा है। उसकी 200 भुजाएं कटी हुई है। लंका का राजा मानो श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बना दिया है। पूरे नगर में श्री रामचंद्र जी की जय जयकार हो रही है पुत्रियों, जय जयकार। और मेरा अनुभव कहता है कि प्रातः काल का सपना अवश्य सच होता है। मुझे डर लग रहा है, मुझे लगता है कि ये सपना कुछ ही दिनों में सच होने वाला है। कल्पना करो कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब श्री रामचंद्र जी सीता से तुम सबका हाल पूछेंगे तब तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हम तो अपने महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे थे। तुम सबका कल्याण इसी में है पुत्री कि तुम इनकी सेवा करो, इनसे क्षमा मांग लो। हमें क्षमा कर दो देवी, हम तो अपने महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे थे। हमें क्षमा कर दो देवी। मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता माँ। अब तुम सब जाओ, इन्हें सताना छोड़ दो। बेटी, इन पर क्रोध मत करना। मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता माँ। अवश्य मुझ में ही कोई खोट है जो अपने पति से विहीन होकर इतने दिन तक जीवित हूं। हे माता त्रिजटा, मिथिला और अयोध्या की माताएं तो मुझसे दूर हो गई, अब आप ही मेरी माँ हैं, जो मेरी इस असहाय स्थिति में मेरा सहारा है। इस लंका में आपके अतिरिक्त मेरा और कोई हितेशी नहीं है। मैं आज आपसे एक अंतिम प्रार्थना करना चाहती हूँ माँ। क्या बात है पुत्री? हे माता, इस दुराचारी रावण के शूल समान शब्दों को अब सुनने का मुझ में सामर्थ्य नहीं। बेटी बेटी चिंता मत कर, शीघ्र ही तेरे सारे दुखों का निवारण हो जाएगा और तू इस बंधन से मुक्त होकर अपने प्रभु के दर्शन कर सकेगी। पुत्री, मेरा कहाँ ऐसा भाग जो प्राणनाथ के दर्शन कर सकूं? आप जल्द ही ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मैं अपने शरीर का त्याग कर सकूं। कुछ लकड़ियां लाकर मेरे लिए चिता बना दे और उसमें आग लगा दे। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती माँ। हे माता, अगर मेरे प्रति आपका प्रेम सत्य है तो मेरी इतनी सी सहायता कर दीजिए। हे विदे कुमारी, मेरी ऐसी परीक्षा मत लो। इस समय मैं अग्नि और लकड़ी कहां से लेकर आऊंगी? इस वाटिका से मैं चाहे तो कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर भी लूं, लेकिन इस रात्रि की वेला में अग्नि कहां से लाऊंगी? आर्य नारी हो, आर्य नारी इस तरह अपने धैर्य नहीं खोया करती। ईश्वर पर भरोसा रखो, चिता में जलकर केवल तुम्हारी शरीर को शांति मिलेगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा
वो तो हमेशा प्रभु के वियोग में भटकती रहेगी। इससे सच्ची शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति के लिए भोलेनाथ की प्रार्थना करो, क्योंकि वो दुखों को नहीं, दुखों के कारणों का नष्ट करती है। और भोलेनाथ की कृपा से शायद तुम्हारे प्रभु श्री राम स्वयं यहाँ आ जाए। कैसे आएंगे माता, उन्हें कौन बताएगा कि मैं कहाँ हूँ? इतना निश्चित है कि अगर उन्हें पता होता कि मैं लंका में हूँ, तो वो लंका की ईंट से ईंट बजा देते। उनके पराक्रम के सामने तीनों लोकों में कोई नहीं है। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता कि मैं उन्हें इतनी सी सूचना दे सकूं कि उनकी वैदेही उनके श्री चरणों से दूर राक्षसों की लंका में बिलख रही, जैसे निराशाओं के आंधियों के बीच आशा का एक दीप टिमटिमा रहा जो कभी भी बुझ सकता है। माँ ना, अपने आशा के दीपक को बुझने मत दे पुत्री। ईश्वर पर भरोसा रख, भोलेनाथ का कोई भरोसा नहीं। न जाने कब किसी भी क्षण वो तुम्हारे जीवन की धारा को निराशा से आशा की ओर मोड़ देंगे। उन पर विश्वास रखो। और कौन जाने अब तक उन्हें पता लग गया हो और कोई श्री राम का संदेशा लेकर आ ही रहा हो। ऐसे सुखद सपनों से आंसू तो नहीं थमते ना माँ? आंसू को बह जाने दे पुत्री, लेकिन विश्वास रख, सपने सच होते हैं, होते हैं सपने सच। आज ये राक्षसियां डर कर चली गई हैं। अब तू चैन से सो ले, मैं प्रातःकाल अवश्य आऊंगी। सो ले पुत्री।